अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गल्फ इन्फॉर्मेशन YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको देने वाला हूं। कतर का यदि आपका आईडी एक्सपायर कर चुका हो या फिर आपका आईडी कैंसिल हो चुका हो तो कतर में आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। यदि अपने आप घर पहुंच गए हो तो आप आ सकते हो, नहीं सकते हो। यदि आपको छुट्टी पे गए हो तो आप कतर आ सकते हो, नहीं आ सकते हो। सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा, पर उससे पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कीजिए। मैं हमेशा गल्फ के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले यदि आपका आईडी एक्सपायर कर चुका हो तो आप यदि अपने मुल्क में हो तो यदि आप चाहते हो कि नया वीजा लेकर हम कतर में वापस आ जाएंगे तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका आईडी एक्सपायर हो तो अपने देश में हो, दूसरे वीजा लेके आप कतर नहीं आ सकते हो। और उसके लिए दोस्तों आपको एनओसी निकलवाना पड़ेगा कफिल से। एक एनओसी निकलता है, इसके बारे में दोस्तों पूरी डिटेल वीडियो बनाने लगू तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, पर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दे रहा हूं कि उसके लिए आपको एक कफिल से या फिर आपको कंपनी से एनओसी निकलवाना पड़ेगा। एनओसी निकलवाने के बाद ही आप कतर में एंट्री ले पाओगे यदि आपका आईडी एक्सपायर कर चुका हो तो। वैसे आप चाहोगे कि डायरेक्ट आप नया वीजा लेकर कतर में आईडी एक्सपायर होने के बाद चले जाओ तो ऐसा इम्पॉसिबल है, आप बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे। दूसरा है, जब आप यदि दोस्तों आपका आईडी जो है वो कैंसिल हो चुका है, तो यदि आप कैंसिल आपका आईडी हो चुका है तो आप कतर में कभी भी जिस वक्त लेना चाहो एंट्री आप ले सकते हो, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, पर आईडी आपका कैंसिल होना चाहिए। और भाई यदि आप कतर में मौजूद हो और यदि आपकी कंपनी आपको पसंद नहीं आ रही है, जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे पसंद आपका नहीं आ रहा है, और यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो जब तक आपका जो आईडी है वो कैंसिल नहीं होगा तब तक आप अपने जॉब को भी चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कानून के वहां पे विरुद्ध बताया गया है। और आपको बता दूं साथी, कोई भी आईडी जो होती है, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर का आईडी हो, चाहे दोस्तों किसी भी तरह कंपनी में आप काम करने के लिए गए हो, तो लगभग ये 2 सालों का दोस्तों आईडी होता ही है जो वर्क परमिट वाले जो भी कतर में काम करने जाते हैं। तो बिना आईडी कैंसिल करवाए आप कोई भी कंपनी को भी चेंज नहीं कर सकते हो। और यदि आप बिना आईडी आपका एक्सपायर कर चुका हो तो अपने मुल्क से आप कोई नया वीजा लेके कतर में भी नहीं आ सकते हो। ये नियम जो है दोस्तों कतर का लेबर लॉ के तरफ से ये बताया गया है। यदि इसके बारे में पूरी जानकारी आप चाहते हो, पूरी डिटेल पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों कतर का लेबर ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट आप खोलिएगा, वहां पे पूरी डिटेल की बात चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, यदि आप क्यूवीसी करवाने वाले हो और यदि क्यूवीसी का आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है तो वो चेक करना चाहते हो कि अपॉइंटमेंट मुझे कैसे मिलेगा, नहीं मिला, तो उसका वीडियो का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन मैंने डाला हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा, सारी जानकारी वहां से भी आपको मिल जाएगी। तो छोटी सी जानकारी देनी थी जो मैंने आप तक दिया। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।